हमारे प्यारे विपिन सर जिनका मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल है, उन्हें आपने हमेशा ही देखा होगा कि वे हमेशा असहाय लोगों की मदद करते हैं। जब भी उनके गांव या फिर किसी भी इंसान पर कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो हमेशा सबके साथ खड़े होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप उनका वीडियो ज़रूर देखें। मैं आगे उनके वीडियो का कुछ हिस्सा अपने वीडियो में डाल रहा हूँ, आप उनको ज़रूर देखें। क्षमा चाहते हैं, आप परेशानी हुई है तो क्या कर लीजिएगा, हमको इतना ही कर दीजिएगा, कभी गोली मार देगा कोई तो याद रखिएगा, इतिहास जब लिखा जाएगा तो मरने वालों में लिखा जाएगा, भागने वाले और बिकने वालों में नहीं होगा। सीधी सी बात है। अब ये बेरोजगारी की आलम यह है भैया कि अब आपको बता देते हैं, पढ़े लिखे लोग अढ़ाई करोड़ स्टूडेंट जो रेलवे का फॉर्म भरता है जिसमें 500-500 रुपए सरकार लेती है, इस तरह से टोटल 12.5 अरब होता है रुपया, यानी कि 12 अरब 50 करोड़। बात समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए, अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गाँव में, तो इस तरह से 12 महीना में 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये साढ़े बारह अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500-500 रुपया लेके, अब आप कहिएगा कि एग्जाम के बाद तो हम पैसा लौटा देते हैं, लेकिन बात यहाँ ये है कि पैसा तो आप लौटा दीजिएगा, 100-100 रुपया रख लीजिएगा, 400 लौटा दीजिएगा, लेकिन 2 साल में आपने बिजनेस कर लिया है 9 अरब का। भैया बहुत होता है 9 अरब, कोई साधारण बात नहीं है। अब देख लीजिए, आप कहेंगे कि इतना बकर बकर कर रहे हैं भाई, गरीब आदमी है, जब मेरे अकाउंट में केवल 1,23,000 रुपया था ना, तो 1,00,000 रुपए हम पीएम केयर फंड में दिए थे। काहे जानते हैं कि कोरोना से लड़ाई लड़िएगा तो देश हित में ही पैसा जाएगा। ये पैसा से जब वैक्सीन बन के आएगा, या हमारे साइंटिस्ट लोग जब इस पर रिसर्च करेंगे वैक्सीन पर, तो खर्च लगेगा। तो आदमी किसके पास जो औकात था, 1 रुपया 11 रुपया 100 रुपया 50 रुपया 1 करोड़ 500 करोड़ 1,000 करोड़ लोगों ने योगदान दिया, जिनसे जो हो सका। पूरा देश आपके साथ खड़ा था, आपके साथ खड़ा था, और याद रखिएगा कि ये युवा बेरोजगार रहेगा तो आपके विरुद्ध खड़ा होगा भैया, तख्ता पलट जाएगा, ये बात पक्का सुन लीजिए। काहे कि आज हम दिल से बात करें, दिल से बात किए थे तब ना मदद किए थे। अब देख लीजिए, 30 मार्च को मैंने योगदान दिया था 1 करोड़, हमारा तो पागलपन चढ़ल था, हम तो अपन गलती का पश्चाताप भी जूता से मार के करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जूता उस नेता को भी पड़ेगा जो वोट मांगने आएगा हमारे यहाँ, याद रखिएगा। ये पूरा देश में अब बवाल होने वाला है, अगर सही टाइम से एग्जाम नहीं लीजिएगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब आपके मन की बात नहीं होगी हमेशा, ये जनता के भी मन की बात होनी चाहिए। यहाँ पर आप नहीं, आपको पता चले तो जिन लोगों को बुरा लगता होगा सर्च कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री राहत कोष में 1,00,000 रुपए का योगदान दिया, मैथ मस्ती लिखिएगा, ये लाइन लिखिएगा, मैथ मस्ती लिखिएगा, जरूर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। हमारा घर भी करकट का है, और फिर भी अकाउंट में 1,23,000 था, 1,00,000 रुपया डोनेट किए थे ताकि हमारे देश में खुशहाली आए और इस कोरोना वायरस से हमारा देश लड़े। ए भाई, वो बच्चा के पैसा दिया हुआ जो हम पढ़ाते हैं ना, वो वीडियो देखता है ना, वो भी होता है, उसे पैसा आता है, वो पैसा हम आपको दिए थे, पाप लगेगा। विपिन सर ने तो पूरी लगन और दिल से सरकार की मदद की थी, उन्होंने पीएम राहत कोष में 1,00,000 रुपए दिया था जबकि उनके पास सिर्फ 1,30,000 रुपए ही बचे थे, तब भी उन्होंने मदद की थी, पर सरकार ने उनकी मदद का यह सिला दिया है। खैर, आप में से बहुत से लोग गगन प्रताप सर को जानते होंगे, वो बहुत ही कमाल के टीचर और बेहतरीन पर्सनालिटी हैं। उन्होंने भी अपनी बातों को हम सबके सामने और गवर्नमेंट के खिलाफ रखा है। आप ज़रूर उनकी वीडियो का कुछ हिस्सा ज़रूर देखें। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या कहा है। ये सिस्टम इसी बार बदलना है, ये सिस्टम अभी बदलना है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट, जितने ज़्यादा टीचर्स और इतने सारे प्लेटफॉर्म जो एक साथ आए, ये दोबारे नहीं आएंगे, तो ये सिस्टम इसी बार बदलना चाहिए और इन्हीं चंद दिलों में बदलना चाहिए, अदरवाइज ये स्टूडेंट इस सिस्टम को उखाड़ के फेंक देंगे। छात्र को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत
भीषण होते हैं। मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि छात्रों को परेशान करने के जो दुष्परिणाम है वो बहुत भीषण और बहुत भयंकर होते हैं। मन की बात नहीं करनी हमें मोदी जी, हमसे केवल काम की बातें करो कि रोजगार कहाँ है, रोजगार कब मिलेगी, नौकरी कब मिलेगी, चाहे सरकारी नौकरी लगे चाहे प्राइवेट लगे, चाहे एसएससी की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे आरआरबी, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो, चाहे पटवारी की जॉब की बात हो, चाहे टीचर भर्ती की बात हो, चाहे सीट एक्ट की बात हो, सारी सारी भर्तियां लटकी पड़ी है, सारी भर्तियां लटकी पड़ी है। और मन की बात में आप डॉग की बात करते हो, आप खिलौने बनाने बेचने की बात करते हो, लेकिन रोजगार की बात आपने पिछले 6 साल में एक बार भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है, आप मुद्दे को टरकारे रहना चाहते हो, उसको टालते रहना चाहते हो, उसको फालतू में भगाए। इतना फालतू नहीं है हमारे देश का युवा, है सारे टैलेंटेड डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। वो है ना जो एक डायलॉग है मिर्जापुर में कि बहुत दुख होता है कि जब आप काबिल और आपकी काबिलियत को कोई मौका ना दे, आपको पहचाने ना, तो बाद में क्या बनता है। अरे बाद में अगर इन लोगों का यूज नहीं किया जाएगा तो इन्हीं में से लोग उल्टी सीधी डायरेक्शन में चले जाते हैं, कोई क्राइम में चला जाता है, सोशल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीजें फैलाते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन फिर गलत जगह निकालते हैं। आज ये यूथ है, इसकी सही टाइम पे नौकरी लग जाएगी, सही टाइम पे इसको रोजगार मिलेगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देश आगे। अब आखिर में आप सभी हमारे प्यारे और आप सभी के प्यारे हमारे फेवरेट द रेवोल्यूशनरी मैन अभिनय सर की बातों को सुनिए, ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों को सीरियसली लीजिए दोस्तों। और जो भी उन्होंने कहा है वो सब ज़रूर आप करें, तो आप उनकी बातों को सुनिए। तो ठीक है, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, हमें ये इंतजार नहीं करना, ये अभी पता है क्या करेंगे, सीईटी का एक और नोटिफिकेशन डाल देंगे, अब तो ठीक कर रहे। अरे या तो आज से ठीक करो या जब तक तुम्हारा ये सीईटी नहीं आता तब तक सारी चीजें ठीक करो। मेरी सब यूट्यूबर से गुजारिश है, जितने भी लोग हैं जिनके चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर है, 2 लाख, सब इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ। थोड़े दिन पढ़ाई स्थगित कर दो कि कोई पढ़ाई नहीं करेंगे हम, कोई कोर्स नहीं बेचेगा मीडिया वाला, एजुकेशन वाला कोई भी कोर्स नहीं बेचेगा, कोई भी पढ़ाई नहीं होगी, 5 दिन तक यही चलेगा सिर्फ। 5 दिन तक मेरी गुजारिश है बच्चों से भी, सिर्फ आप सब कुछ छोड़ दो, एक बार तो लगना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। 5 दिन तक हम सब लग जाते हैं और नानी याद दिला देंगे, इस बात का भरोसा मुझ पर रखिए कि क्या कुछ नहीं हिल सकता यार। अगर हम 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, अगर ये 3 करोड़ लोग चाहें ना तो सल्तनत हिल सकती है। मोदी जी गलत नहीं बोल रहे, कुछ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप एनालिसिस करा लो, आपके पास तो इतने बड़े बड़े एनालिस्ट भरे पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े टॉप टॉप लेवल के शिक्षाविद हैं आपके पास, वो सब बता देंगे। तो दोस्तों मिलेंगे, कोई बाय नमस्कार आज होगी नहीं, अब बस सीधे सीधे सरकार से जवाब। ये मन की बात नहीं है, मन की भड़ास है, आप तो बड़े प्यार से कर देते हैं मन की बात, मेकअप करके आ जाते हैं साहब। मन की बात क्या है, मन में मेरे ये चल रहा है, मुझे लगता है कि मुझे मोर को तो दाना डालना चाहिए, मुझे रात को ऐसा सपना आया भारत में सब बहुत अच्छा चल रहा है, कोई बेरोजगारी नहीं है, जहां तक देखता हूं खुश पाता हूं लोगों को, ऐसे भारत की मैंने कल्पना की थी। देखो जरा, देखो दिल्ली में ही देख लो, मुखर्जी नगर जैसी जगह में जाके, कि टीचर और बच्चे कैसे बेहाल हो रहे हैं। आज अगर टीचर में भी बेरोजगारी है तो इसी वजह से है कि उनको टाइम पे जॉब नहीं मिल पाई तो बेचारे टीचर बन गए, और आज कोरोना वायरस ने टीचर की जॉब भी छीन ली, रोटी पालना मुश्किल हो रहा है। बताओ गलत बोल रहे हैं तो यार, कोई तरीका होता है, मीडिया को कुछ भी, आप खुद एक चैनल, आज अगर आप लोग मेरी बात को झूठ मान लेना तो कोई भी एक चैनल खोल लें और आप मुझे बता दें कि ये आदमी इतने काम की बात कर रहा था, आपको पता चलेगा कि इसने 10 बातें की एंकर ने, सारी वाहियात की, सारी वाहियात, कोई काम की बात पे चर्चा नहीं करेंगे। अब एक सीबीआई केस हो गया तो हर दिन अपडेट, हमारा सीबीआई केस हो जाए तो कोई अपडेट नहीं, 2017 वाला केस डिसमिस होने के कगार पे आ गया, कोई सबूत नहीं मिले नकल के, रिया की तो व्हाट्सएप चैट निकल आई और यहां नहीं निकली किसी की व्हाट्सएप चैट, हमने नंबर तक दिया जिन लोगों ने नकल की, हमने नाम तक बताए उन लोगों के जिन लोगों ने नकल की, क्या किया आपने उनके साथ बताइए, हमने तो अपने जिंदगी दांव पे लगा दी कि जिन लोगों का नाम ले रहे हैं ये कल को हमें मार भी सकते हैं, आपने क्या किया उसके बाद, कुछ भी नहीं। अब उनके आगे के लिए और मुंह खुल गए कि वो और नकल कराएंगे, भाई एक बार मेरी चल गई अब दोबारा से भी नकल होगी। चलिए बहुत भड़ास है, एक दिन में नहीं निकलेगी, कल भी निकालेंगे, परसों भी निकालेंगे, मैंने कहा है 5 दिन हैं, 5 दिन में हम आग लगा देंगे बस। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो एकदम बारीकी से देखा होगा, अच्छी तरह से देखा होगा, और आप
आपने खुद से अनुमान लगाया होगा कि सरकार का क्या रवैया है हमारे प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति। अगर आप में इंसानियत है, अगर आप थोड़े से भी इंसान के क्वालिटीज़ को रखते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ट्विटर पे कैंपेन जो चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें दोस्तों। #SSC Declare CGL Results #SpeakUpForSSC Railway Exams दोस्तों अटेंड कर रहा है, और आप बस अपना रवैया ना बदलें, आप सपोर्ट करते रहें तो हमें जल्द ही न्याय मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।